एन जेड पंजाबी मल्टीमीडिया ट्रस्ट वालों भारत ते पाकिस्तान की 75 साल आजादी दिवस में समर्पित जिहड़ा एक वड्डा ईवेंट न्यूजीलैंड के शहर पापाटोए विच करवाया जा रहा। इसकी खास गल ये है कि ये दोनों देशों के जिहड़े अपने पंजाबी आ वो इकट्ठे होकर एक सांझी महफिल सांझी शाम आ जिहड़ी वो मना रहे हैं। तो इस दे मौके जिहड़े मेन प्रबंधक आ परमिंदर सिंह पापाटोए वो मेरे नाल खड़े ने, उन्होंने तो जानते हैं इस प्रोग्राम दे विच की मेन है ते किस तरह देखते हो। तो परमिंदर जी पहला अजीत वैब टीवी ते स्वागत है, तो बड़ा वधिया एक उपराला दोने पंजाबां दे पंजाबियों नूं इकट्ठे करन दा दोनों की सांझी शाम मनाउण दा, ते किस तरह ये उपराला जिहड़ा कीता गया। पहले तो प्यार भरी सत श्री अकाल क्योरा हरमन जी ते अजीत समाचार दे असीं बहुत धन्नवादी हाँ। असल च असीं आप मेरे नानके पाकिस्तान तो बार तो आए हैं जी, सैणी बार तो, तो सैणी बार स्कूल जिहड़ा वो साडे बजुर्गां ने उहदे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया सी। वो जिहड़ी खिच पिछली तुहानू पंजाब दी पैंदी आ, चढ़दे पंजाब ते लहिंदे पंजाब दा जो तुसीं जिक्र कीता है तां सांझा ही आ। एक बड़ी खूबसूरत गल आ हरमन जी कि परदेसी पंजाब ने दोवां पंजाबां नूं इकट्ठे कर दित्ता, कोई भेद रहा नहीं, क्योंकि गाणे इक आ, खाणा इक आ, लिबास इक आ, ते सभ्याचार जदों तुहाडा इक जिहा हो जाए फिर मज़हब भावें वक्रे भी होण लेकिन जिहड़ी पंजाबीयत दी तांद आ उह तुहानूं जोड़ी रखदी आ। सो मेरा इह मनणा कि इस तरह के यत्नों के जिते थोड़े वर्गे सुहिरद मीडिया वाले सज्जन शामिल होंगे आ, उत्ते जिहड़े इतों के साहित्यकार ने दोवां पंजाबां दे शायर ने गायक ने वो रल के अपने दिलों की सांझ पाउंदे आ, ये सांझ होर पक्की हुंदी आ जी। जे देखिया जाए तो आप जे पंजाब की गल करिए उत्थे भी मोमबत्तियां जगाईआं जांदियां, दोनों पासे तो प्यार दा एक सुनेहा जिहड़ा देण दी कोशिश कीती जांदी है, पर किते ना किते कड़त्तण जिहड़ी आ उह रड़कदी रहिंदी है। तो बाहरले देशों में आके आप विदेशी धरती से आके जो इकट्ठे होंगे तो वह कड़त्तण किस तरह महसूस करते हो, कई बार इत्थे भी कुछ ना कुछ इदा का हो जाता, उन्होंने की कहना चाहोगे। देखो मैं एक गल मान के चलदा, जिमीदार पिछोकड़ तो मैं फसल के कांगेरी होंगी आ, नदीन नाशक जो वरत के फिर वह कांगेरी जो खत्म करिए, जो दिलों के कित ना कि थोड़ी बहुत बेगानगी की भावना उन्होंने खत्म करना ही पैना। मैं अक्सर एक गल कहना हूं कि जिड़ी भी किसी ने लाइन खिंची है जो माड़ी लाइन आ उसके बराबर चंगी लकीर जी वी खिंचनी पैनी आ। तुसीं वाघे की लाइन की गल की है, जे बर्लिन की दीवार टुट सकती है, जे करतारपुर साहब का लांघा खुल सकता, सिखां दी अरदास दे विच बड़ी बेसब्री नाल बड़े वरियां तो उड़ीक हुंदी रही है। इस तरह ये जी सांझ आ ये होर पक्की हो के एक दिन इदां दा आएगा कि वाघे की लकीर जी अटारी वाले पास्यों असीं लाहौर जा के ब्रेकफास्ट कराया करांगे ते जलंधर आ के असीं लंच कराया करांगे। भवदीप ढिल्लों जी मुखी ऑकलैंड भारतीय दूतावास, तो आज़ादी के 75वें वरे ते अपना सारा साल जश्न मनाए हैं, तो अज भी वड्डा ईवेंट पापाटोए हो रहा, तुसी भी बतौर मुख मेहमान पहुँचे हो, की कहना चाहोगे। हाँ बहुत वधिया जी कि साडे सारी दुनिया च ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो लड़ी दे विच आई थिंक न्यूजीलैंड दे विच भी घट्टो घट्ट 2 दर्जन ईवेंट होए ने। मेन ईवेंट 21 अगस्त नूं हैगा महात्मा गांधी सेंटर सवेरे 10 बजे, तो इदा के इंपोर्टेंट ईवेंट्स जेडे कि साड़ी अज तो यह अपने चढ़ते पंजाब ते लहिंदे पंजाब की सांझी वालता बारे ईवेंट सीगा ते हो रहा हजे भी। सो यहां की असी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे इनीशिएटिव है साडे डायस्पोरा दे प्यार वधाउण दे जिहड़े कि अज की दुनिया के विच इहदी बहुत लोड़ हैगी। तो जे आप गल करिए एक पंजाबी होने के नाते तुम भी पंजाबी हैं, दोहे पंजाबों दो पंजाबी साझे तौर पर एक ईवेंट करवा रहे हैं, एक दो होर भी ईवेंट इदा के हो रहे हैं, किस तरह देखते हो इस चीज़ को, बाहरली धरती पर आके पंजाबी फिर एक इकट्ठे हो गए हैं, कितने ना कि एक रोस हों कि साढ़े पंजाब के उड़ीक खिंची गई है, इस चीज़ को बतौर है पंजाबी किमें देखते हो। बहुत अच्छी गल है जी, देखो मैं तो अगर स्टेज पर भी यही कही सी कि नक्शियां ते लीक खिंचन नाल लोकां दे दिलां च लीक नहीं खिंच सकते, ते वह अज दा इवेंट इहनूं प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़े लोग हैं वह दोनों पासे असीं इक्को तरीके दे लोग हाँ, इक्को तरीके दा साडा कल्चर है, हैरीटेज हैगी है, सो ये तो नैचुरल है कि ये लोगों च नहीं तुसीं लीक खिंच सकते। सो इस टाइम के नकड़े ने पंजाबी के मशहूर गीतकार कह लिए, उन्होंने बड़े गाने पंजाबी फिल्मों में भी इस टाइम चल रहे हैं सत्ता वैर वाली। भाजी इस ईवेंट पर आए हो, किस तरह महसूस करते हो, की कहना चाहोगे। बड़ा चंगा महसूस कर रहे दोवां पंजाबां दे स्रोते जिहड़े उन्होंने सामने छोटी जी पेशकारी करांगे,
ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਗਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਚਦਾ ਨੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਚਦਾ ਨੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡੋਲ ਬਿਨਾ ਜੱਚਦਾ ਨੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡੋਲ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਬਿਨਾ ਜੱਚਦਾ ਨੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨਿਸਾਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਈਵੈਂਟ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਟਸ ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਸੋ ਮਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟੁਗੈਦਰ ਐਜ ਵਨ ਬਿਕੋਜ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਮਸ side is from Pakistan Gujranwala and my dad's side is from Amritsar so I'm kind of from both lineages and then brought up here that's why my Punjabi is a bit weak so I'll speak in English but yeah I definitely feel connected especially to the music Punjabi music te yeah so main ek gana I'll sing one song maybe about the yearning of both people living in both countries and separated chitthi ni dard firaq wali le ja sneha sone yaar da ਹੋ ਲੈ ਜਾ ਸੁਨੇੜਾ ਸੋਹਣਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾ ਸੁਨੇੜਾ ਸੋਹਣਿਆਰ ਦਾ ਓ ਲੈ ਜਾ ਸੁਨੇੜਾ ਸੋਹਣਿਆਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈ